ओ मेरा ते माही शेरी वाला मिलने नू मैनू बात काला ओ मैं साधनी बन जाऊं तेरे प्यार में मैं साधनी बन जाऊं तेरे प्यार में प्यार में। रिस्पॉन्स की बात करें तो आई वुड से मेरे जितने भी गाने अभी तक बाहर आए इट्स ऑल डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अनदर एंड रिस्पॉन्स ज़्यादा मैं खुद सेटिस्फाई हूँ सो आई थिंक मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी दैट आई एम वेरी मच हैप्पी विद माई परफॉर्मेंस एंड आई ऑलवेज वॉन्ट टू वर्क विद अफसाना सो मेरा एक विश लिस्ट भी पूरी हो गई आई कैन से दैट। बहुत अच्छा लगा मुझे गाना, हम गाते इसीलिए हैं कि सबको अच्छा लगे, तो पहले हमें अच्छा लगता है इसलिए बाहर आता है गाना। सो बहुत अच्छा निर्माण भाई ने लिखा है, स्पीड रैकेट से आया और सना ने तो वाकमाल परफॉर्मेंस दी है, उनका मन भी था गाने में आने का, वो भी पूरा उन्होंने बताया गया। सो बाकी अब सबकी सपोर्ट चाहिए और अच्छा हो और हो जाएगा गाना। मेरा एक्सपीरियंस पेन से लेके पोस्टर तक का बहुत अच्छा रहा, मैंने लिखा है गाना, कंपोज किया, हमने साथ में बनाया ये गाना स्टूडियो में, और जब हमने वीडियो करना था, जब हमारी रैकेट लेवल से बात हुई स्पीड से, तो उन्होंने कहा कि सना मकबूल जी को हमने लेना है गाने में, तो पता नहीं था कि मैम आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन फॉर्चुनेटली वो हमारे गाने का हिस्सा बनी एंड हमने बहुत मेहनत से ये गाना बनाया और ये हमने चंडीगढ़ में शूट किया और उस टाइम पे बारिश हो रही थी, रोज़ बारिश होती थी डेली, बस ये दो दिन बारिश नहीं और जहाँ पे हम शूट कर रहे थे वहीं पे बारिश नहीं हुई, बाकी हर जगह बारिश हुई। आई थिंक अफसाना का इफ यू सी द सॉन्ग का दिस नो शी इज ऑलवेज संग सैड सॉन्ग एंड आई थिंक दिस इज साधनी कि मैं बात करूँ तो इट्स अ लिटिल डिफरेंट जॉनर फॉर हर एंड थैंक्स टू निर्माण कि उन्होंने भी मतलब यू नो उनका लास्ट सॉन्ग अफसाना के साथ ही था एंड वाज लिटिल ऑन द हार्ट ब्रोकन सैड जॉनर बट ये जो है ये बहुत ही हैप्पी it's showing the girl very much she loves, she's going to get married, तो थोड़ी पगलेट जैसी लड़की है, she's trying different things, so I think yeah it's different। सना क्यों दिमाग में थी, सना हमसे बात हुई थी सना की, तो वो भी मेरे जहन में था और ऊपर से सना बिग बॉस जीती थी वो भी हमारे जहन में था, तो इसीलिए फिर टीम ने सारी ने डिसाइड किया निर्माण मेरे से, मुझे तो मेरे को तो पता था कि सना और हम काम करना चाहते हैं और निर्माण भाई ने जैसे ही बोला तो मैंने बोला हाँ हो जाएगा, वो हमारे फ्रेंड हैं और वो भी चाहते हैं कि वो काम करें, सो फिर बात बन गई, तो आज सामने साधनी लेके और सना वहाँ पे साधनी जो बने हुए हैं परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो आप देख ही रहे हो। हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं हमेशा क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं हर तरह का गाना गाऊं और वो मैं गाती भी हूँ, तो मेरे से गवाने से पहले तो राइटर साहब होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि ये गाना किसको सूट करेगा किसको नहीं, सो वो निर्माण भाई है तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये गाना हम करने वाले हैं और हमने फिर मिलके सारा बनाया, तो बस कुछ डिफरेंट करने का सोचा था और वो किया है। डायरेक्शन तो मैंने पहली बार किया है और मेरे बाकी सारे दोस्त डायरेक्टर बिजी थे तो मैंने सोचा मैं कर देता हूँ एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, ये बहुत अलग गाना है, हमारे यूजुअली भी और बहुत सारे गाने बने पड़े हैं सैड सॉन्ग्स रोमांटिक सॉन्ग्स जो हम करते भी हैं मोस्टली करते हैं, ये थोड़ा सा अलग गाना है, इसका म्यूजिक थोड़ा सा अलग है, हम कुछ करना चाहते थे, मैं हरियाणवी नहीं हूँ, आई एम फ्रॉम पंजाब बट मैंने स्टिल हरियाणवी में लिखने की कोशिश की, देन हमने गाने में अगर आप सुनोगे तो गाने में बहुत सारी ट्रांजिशन है तो हम कुछ अलग करना चाहते थे, नॉट द यूजुअल, सो दिस सॉन्ग हैपेंड। मैं बताऊं ऑफकोर्स अफसाना का कोई भी गाना निर्माण ने लिखा हो रोमांटिक गाना कर सकते हैं सिर्फ रोमांटिक सैड आपने कर लिया ना अभी जस्ट आपने नहीं मेरे साथ नहीं अच्छा। आपका कोई आई थिंक
लुक्स में दे वर वेरी लाइक यू नो एक होता है ना जो बोलते हैं ना कैप्टन ऑफ द शिप हैज टू बी वेरी पर्टिकुलर तो आई थिंक निर्माण ने वो मेक श्योर किया था आई थिंक मेरे इतने ट्रायल्स भी नहीं हुए थे ये बहुत ही लिमिटेड चार कपड़े आए थे एंड आई थिंक चार कपड़े बस फाइनल फॉर द होल जो मतलब बोलते हैं ना किश्योरिटी के साथ कॉन्फिडेंस के साथ वो बहुत ही सेट था सो आई थिंक प्लानिंग से लेके प्रोजेक्शन तक एवरीथिंग वॉज वेरी मच सॉर्टेड सो हमने डिफरेंट डिफरेंट लुक दिया है पंजाबी लुक दिया है एक वेस्टर्न लुक दिया है एक हिप्पी लुक दिया है सो जैसे जैसे गाने का ट्रांसफॉर्मेशन और बीट चेंज होती है वैसे वैसे लुक्स भी चेंज हो गए सी मैं गाने वैसे लेती नहीं हूँ बट आई थिंक अ सॉन्ग दैट आई लाइक मुझे जो पसंद है वेदर इट्स सैड वेदर इट्स हैप्पी वेदर इट्स एनीथिंग नहीं मैंने जब से बिग बॉस किया तब से मैं उसको देखा नहीं तो रीजन तो कुछ नहीं है बस टाइम नहीं है इनके पास टाइम भी नहीं है और थोड़ा सा लड़ाइयां हाइपर होना ये सब चलता है तो वो दिमाग खराब हो जाता है फिर बंदा अपना फ्लैशबैक चला जाता है तो इस चक्कर में मेरे हस्बैंड ही नहीं मुझे देखने देते आज तक आगे मैंने खुद का अपना एपिसोड नहीं देखा बात पर्दे में रहने तो यही ठीक है क्योंकि वो जब आएगा कोई सी कोई है वो सब पता चल जाएगा मतलब अच्छा ही आएगा मेरा तो जो आएगा दिख जाएगा सबका वही है हमने काफी गाने बनाए हुए साथ में और आई एम श्योर अफसाना ने और भी बहुत सारे लिरिसिस्ट आर्टिस्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर्स बहुत सारे लोगों के साथ गाने किए हुए हैं फिल्म्स के गाने हैं सेम आई राइट सॉन्ग्स आई कंपोज सॉन्ग्स आई मेक सॉन्ग्स हमारे भी गाने ही हैं हम बैक टू बैक गाने कर रहे हैं और मैं मोस्टली कोशिश कर रहा हूँ कि हर आर्टिस्ट जितने भी मोस्टली इंडिया में आर्टिस्ट हैं और पंजाब में जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ काम किया जाए और हम सबके साथ ही गाने बना रहे हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग आए हो हमें प्यार देने के लिए और इन वीडियो को खूब वायरल कर दो साधनी सारे पास से और ट्रेंड करना चाहिए सो ये आपकी स्पोर्ट से ही होगा